हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनोज व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। सो फिलहाल सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज गए हैं 5 और सारे लोग अभी धीरे धीरे उठ रहे होंगे क्योंकि रात को गरबा होता है, इसीलिए कोई जल्दी उठ नहीं पाता है। और अभी सारे दुकानें बंद है और हम जा रहे हैं हमारी ऊपर वाली शॉप में, न्यूट्रिशन कैफे में। हमारा अमेजिंग मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ और बहुत सारी चीज़ आज की नॉलेज में मिली और उसमें था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बताया और अनसबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बताया कि हमारा जो बाहर का दिमाग है वो जो सोचता है, वो जो बिलीव करता है, वही हमारा अंदरूनी दिमाग जो होता है वो बिलीव करके वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो तरंग छोड़ देता है। सो यूनिवर्स को जो मैसेज हम देंगे, हम पॉजिटिव मैसेज देंगे तो पॉजिटिव हमारे साथ होगा और यूनिवर्स को हम नेगेटिव मैसेज छोड़ेंगे कि मेरे साथ ये होगा, आज मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, आज मेरे साथ वो होगा, तो आपके साथ गलती होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा, आज का दिन मेरा बहुत ही बेहतरीन जाएगा, तो 101% आपका बेहतरीन ही जाएगा। सो इतनी जबरदस्त क्लास मीटिंग होने के बाद अभी हम करेंगे स्टार्ट हमारा न्यूट्रिशन कैफे, एनर्जी ड्रिंक पियेंगे और साथ साथ में करेंगे फन एंटरटेनमेंट एंड एक्सरसाइज वर्कआउट। सो गाइज, हमारा मॉर्निंग सेशन शुरू हो चुका है, जबरदस्त देखिए आप। और ये मैडम आज ले रहे हैं, शहनाज मैडम, अमेजिंग, क्या एनर्जी ड्रिंक दिखा रहे हैं देखिए। और यहाँ पे देखिए मुकेश जी भी अफ्रेश पी रहे हैं और हम भी अफ्रेश पी रहे हैं। कितने लोग ज्वाइंट हुए हैं अभी देखिए ट्रेनिंग में, जबरदस्त देखिए, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट, अमेजिंग। यहाँ देखो मुकेश जी हैं, ये मुकेश जी देखो, और इधर आप जाएंगे तो ये हम हैं देखो। अनबिलीवेबल है, कितने सारे लोग, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी, अलग अलग गांव, जबरदस्त। सुबह सुबह इतनी मॉर्निंग क्लास होती है, देखिए यहाँ पे टीवी में भी हमने शुरू कर दिया है। सो फिलहाल अभी लेते हैं वर्चुअल, जिसमें बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है आधा घंटा, और आधा घंटा वर्कआउट किया जाता है। सो गाइस, ऑसम वर्कआउट हुआ, ओह माय गॉड कितना पसीना आ गया। सो हाई स्टैंडर्ड आज वर्कआउट किया है और अभी स्पेशल शेक बन रहा है और देखो एक आत्मा सो रही है अभी फिलहाल और यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग में जा रहे हो और थोड़ी देर बाद वापस आएंगे क्योंकि वो मेडिटेशन में इतना मानते हैं कि यहीं रहते ही नहीं है, बॉडी से यहाँ रहते, बाकी तो माइंड से वो चले गए हैं। सो अभी स्पेशल शेक बन रहा है, एवरी सिंगल नौरता जो नवरात्रि चल रही है और स्पेशल स्पेशल शेक बन रहा है। कैसा लग रहा है शेक? बहुत बढ़िया लग रहा है, टेस्टी, वाह। सो कौन सा शेक है सर जी? ये शेक का नाम भी कुछ अटपटा है, ब्रूसली शेक। शेक पीने के बाद आप ब्रूसली की तरह फाइट करोगे 101%, ऐसा शेक है। अभी मैंने नहीं टेस्ट किया इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ, थोड़ी देर में अभी एंजॉय करते हैं शेक को, तब तक पसीना थोड़ा सोख लेते हैं। शेक रेडी है और इसका एंजॉय करते हैं ब्रूसली की तरह, और फाइट तो हमने कर ली है ब्रूसली की तरह कराटे कैंप। सो अभी इसका मजा लेते हैं। हमारे प्रिय मित्र सुशांत जी, जबरदस्त शेक आज का बनाया, कैसा लग रहा है आपको? मास्टर क्लास, सो बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये सब के पीछे हमारे सर जी का ही हाथ है, अलग अलग वेराइटी कुछ नई नई लाते हैं, तो थैंक यू सर। और कितना आपका वेट लॉस हुआ है? 11 किलो। कितने दिन में? 2 महीने। 2 महीने में 60 दिन के अंदर 11 किलो वेट लॉस करके दिखाया है सुशांत जी ने, जबरदस्त। और इसका अवार्ड अभी सून आ रहा है हमारा इनको देने के लिए। सो जबरदस्त रिजल्ट पाए हैं और अभी स्पेशल शेक का मजे लेते हैं डेली बेसिस पे। कैसा लग रहा है? मजा आता है? मजा आता है। और फीलिंग क्या आ रही है बॉडी में? बहुत हल्का। और इतना मस्त, 18 साल की उम्र हो चुकी है और भांगड़ा करते, गरबा करते, बहुत ही मजा करते हैं।
हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आयुष पारी फ्रॉम क्रिश न्यूट्रिशन कैफे विद आई हैव बीन यूजिंग दिस न्यूट्रिशन सिंस 2 years विद द हेल्प ऑफ माय कोच आई हैव बीन एबल टू रिड्यूस 27 केजी ऑफ वेट. द जर्नी ऑफ रिड्यूसिंग वेट फ्रॉम 95 टू 67 केजीज वॉज वेरी अमेजिंग. I would really like to thank my coach Gopal Ai for helping me out and for always being available every time when I needed him. So thank you so much. 11 बज गए हैं और अभी भूख लग गई है तो हमारे जो प्यारे साहब जी हैं वो खावसा दे गए हैं और फिलहाल हम दो ही लोग खाएंगे खावसा, दीदी और मैं, और ये जय है. हाय जय. तो अभी उनका उपवास है तो वो नहीं कुछ खाएगा और हम जबरदस्त खावसा का मजा लेते हैं. कितने टाइम से खाया नहीं था, वापस रहा नहीं जाता है, बोलेगा थोड़ा हेल्दी भी हो जाए अनहेल्दी भी हो जाए. सो मुंह में पानी आ रहा है, चुपचाप बैठ जाता हूँ. अंदर बहुत ही जबरदस्त सेवैया होता है, लहसुन वाले होता है और हरा कांदा भी होता है और ऊपर से इसका चूरा करके पापड़ी का डालते हैं और उनके बाद ये चावल का बना हुआ होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो सूप हमने डाल दिया है और इसके ऊपर जाएगा मस्त लेमन, अनबिलेबल खट्टा मीठा स्वाद आता है इसका. सो मज़ा ही आ जाता है और इसको अच्छे से स्पून से खाएंगे हम और इसका मज़ा लेंगे. तो आई लव खावसा. मुकेश जी आ गए हैं और वो कुछ लौंग लता लाए हैं, आज तक हमने टेस्ट नहीं किया. वो बिहार का कुछ ऐसा बिहार का, वो कहाँ का, दिल्ली और हरियाणा का, ये इधर का है, बनारस साइड का है, प्रयागराज. वो कहाँ है वो नहीं अपने को पता, इलाहाबाद ऐसा. ओह माय गॉड, गरम गरम है. सो ऐसा लौंग लता आता है, मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है. स्वीट आता है उनको. सो मुकेश जी अभी जाने वाले हैं अपने गांव, तो 1 महीने 1.5 महीने नहीं दिखाई देंगे, सही है. तो कुछ बोलना चाहेंगे? अरे मैं क्या बोलना चाहूंगा, ऐसे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आने के लिए जा रहा हूँ भाई. मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलूंगा. और 54 साल के हो गए तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अभी तो गांव ही जा रहे हैं. तो अभी फिलहाल हम खावसा खा रहे थे और मुकेश सर को हम भूल गए हैं. वेरी वेरी सॉरी मुकेश जी. और अभी वो खावसा लेके आया है तो स्वीट वो बोले मीठा हो जाएगा, आज गाँव जा रहा हूँ तो मीठा करके बताता हूँ कैसा फील आता है. और आज जय भाई उपवास में है तो लौंग लता का मजा नहीं ले पाएंगे. लौंग लता रेडी है. ओह माय गॉड. तो ये बोल रहे हैं कि इसका इसका चूरा करके खाने का, अभी इसको चूरा करते हैं, टेस्ट करता हूँ मैं. जबरदस्त लग रहा है लेकिन मीठा बहुत है. और किसके जैसे घर ले जाना है, घर ले जाना, ले जाओ. वो गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, सांटा, सांटा बोलते, सांटा उनके टाइप ही है. लेकिन ये गर्मा गर्म फ्रेश रहता है और इसके ऊपर चाशनी भी देखो ऐसे पड़ती है, ऐसे पानी की तरह सांस नहीं डाल. देखो देखो अभी ये चाशनी सब पिएंगे और ऐसे पड़ती है, पड़ती है. भी आया और उनकी मम्मी भी आई और वो भी खाना लेके वापस. कितना खाना. ओ माय गॉड कितना खाना. तो अभी खाना अभी खा के थक गए. ओ माय गॉड. ये क्यों लाए? देखो गाइस सेन, अभी खमण, ये नाइलॉन खमण है और ये है ढोकला और ये है समोसा. अलग अलग होगा चाइनीज. ओके. और कांदा और ऊपर से सेवैया अपनी स्टाइल में जाएगा.
सुलकाई मधुशाला मेरे सेन से। इधर लगेगा नीचे गिरेगा, इतना भी स्टाइल नहीं देने का। ये कैसे तो अभी ये खाते हैं, मजा लेते हैं। मुकेश सर को तो अभी पसंद नहीं था, फिर भी अभी उनको भूख लगी जाती है खाना। मधुरम मधुरम प्रियम प्रियम। मिर्ची कहाँ है? तीखी तीखी मिर्ची माँ से मिलाना है, हाथ से खिलाना है। देखना वीडियो के चक्कर में खा मत जाना। देखिए ये सारे लोग पाप कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़े पाप जो है वो पंडित जी कर रहे हैं। इतना खाना खा रहे, इतना खाना खा रहे, मुझे लग ही नहीं रहे मैं वेलनेस कोच हूँ। सो आज तो बहुत ही खाना आ चुका है, अलग अलग सारे लोग ले आए हैं। तो ये हम एक किसी की खुशी में खा रहे हैं। तो मुकेश सर उनके गांव जा रहे हैं, तो उसकी खुशी में हम खाना खा रहे हैं। सारे लोग लेके आए, बोले मुकेश जी को खिला देते हैं और यूपी में मजा करे। वो भी जितनी भी आज एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया, वो सब बराबर हो गया, क्योंकि इतना हैवी वाला खाना खा के पूरा एक्सरसाइज की वाट लगा दी है। और किसी में कोई विटामिन न्यूट्रिशन नहीं था, सब फैट वाला है, पूरा हेल्दी हूं। और ये जो अभी हेल्दी है पूरा, क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज टेस्ट नहीं की है। तो आज शेक भी स्पेशल था, वो भी हैवी था और खाना भी हैवी था। कब से सो रहे थे और अभी उठे हैं, एडवोकेट साहब आए और उठाए और अभी कॉफी मंगवाई है। सो अभी कॉफी पियेंगे, नींद तब तक अभी बहुत ही वो हैवी वाला था, इसीलिए अभी नीचे बैठ के सो रहे थे। मैं तो सो गया था, सारे लोग चले गए थे, अभी कॉफी पीते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आई व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।